फ्रेंड्स, जे डी एस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज हम इंडिया के साइज के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये छोटा सा एक ग्राफ है जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि इंडिया के लोकेशन, अगर मैं इंडिया की लोकेशन की बात करूँ तो नीचे से 8 degrees 4 minutes नॉर्थ पर इधर नीचे साइड से स्थित है, लॉन्ग लेटीट्यूड पर स्थित है, और अगर ऊपर की बात करूं तो 37 degrees 6 minutes नॉर्थ पर लेटीट्यूड पर स्थित है, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो यहां से लेके इधर तक 68.7 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, और इधर से अगर बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की तो 97.25 minutes ईस्ट में लॉन्गिट्यूड में क्या है, स्थित है। तो ये क्या थी दोस्तों, इसकी पोजीशन थी अपने इंडिया की। अगर हम पॉइंट की बात करें, इंडिया के लास्ट पॉइंट की बात करें, तो अगर ऊपर से ऊपर वाला पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों, इंदिरा कोल कहलाता है, और नीचे वाला पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और इधर से तुम्हारा ईस्ट साइड से क्या कहलाता है दोस्तों, केतुबी कहलाता है, जो कौन से स्टेट्स में है, अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्ट साइड से क्या कहलाता है दोस्तों, मोतीहर जो कि कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है। तो ये आपको लोकेशन पर समझ में आया कि इंदिरा कुल कहाँ है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर तक है, और नीचे इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, और इधर केतुबी किधर है, अरुणाचल प्रदेश में, और मोतीहर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। तो ये क्या है, एक तरीके से लोकेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में पता नहीं तो आप समझ लीजिए, लेटीट्यूड का मतलब क्या है, जो रेखा क्या हो, लेटी हुई हो, यानी लेटी हुई हो, और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो रेखा क्या हो, खड़ी हुई हो। तो ये दोनों आप इससे इजीली समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या है। तो आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे केवल एक ही ऐसी लैटिट्यूड रेखा है जो इंडिया को बीच में से काटती हुई क्या करती है, गुजरती है, वो कौन सी रेखा है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो क्या करती है, इंडिया को बीच से काटती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ और है कि ड्यूरेशन यानी लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, भारत का जो मानक रेखा समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितने डिग्री पर स्थित है दोस्तों, 82.5 degrees पर क्या है, स्थित है, जो कि लंदन के ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मान लो अगर लंदन में एक बज रहा होगा तो अपने इंडिया में उस टाइम कितने टाइम हो रहा होगा दोस्तों, 6:30 बज रहे होंगे आप, ठीक है। तो आई होप कोई समझ में आएगा। उसके बाद क्या बात करें, अब बात करते हैं हम कि इंडिया की साइज़ कितनी है। अगर साइज़ की बात करें तो टोटल एरिया कितना है अपने इंडिया का, तो साइज़ कितना है दोस्तों, 3.28 million square kilometers, जो कि वर्ल्ड का 2.4% हमारे अंदर में आता है साइज इंडिया का, और जो कि इंडिया को कितने नंबर पे हमारे वर्ल्ड में पहुंचाता है, 7th number है हमारे इंडिया का एरिया के वाइज। अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर कितनी है अपनी इंडिया की, 15,200 kilometers, और कोस्टल लाइन की बात करें तो क्या कितनी है हमारा, 7,516.6 kilometers। कोस्टल का मतलब जो होता है इधर वाला एरिया, वाटर वाला एरिया, और ऊपर क्या है आपको पता ही, ऊपर क्या है, हिमालय है, और दो खाड़ी है हमारे दोस्तों, कौन सी, इधर वेस्ट बंगाल और इधर क्या है, अरबी सी है, और इनमें एक आइलैंड है कहाँ, वेस्ट बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इधर कौन सा है, लक्षद्वीप है। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंसेस, यानी ईस्ट टू वेस्ट के डिफरेंस साइज की बात करें, तो कितना एरिया है हमारा, 2,933, और अगर हम ऊपर से नॉर्थ से साउथ की ओर जाए तो कितना एरिया कवर करता है हमारा साइज में, सॉरी डिफरेंस कितना है हमारा, 3,214 kilometers। तो ये क्या है, कुछ साइज एंड डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल क्या करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।